बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंटरेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था थियोलॉजी टीचर टीटी का। इस पेपर के 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज पार्ट 8 है और इसके बाद एक पार्ट मजीद और होगा। दोस्तों, ये पेपर 2019 का पेपर है, एनटीएस के जरिए हो चुका था। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरह फजर कितने आयात पर मुश्तमिल है। सूरह फजर मक्की सूरत है, टोटल आयात उसमें 30 है और एक रुको है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इन्ना माल उसरी युसरा का मतलब क्या है, मुश्किल के साथ आसानी भी है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 73 ये पहले हो चुका है, पता है मक्का के लिए मक्का की तरफ पेशकदमी करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पड़ाव, ऑप्शन सी लगता है इसमें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 74 भी हो चुका है पहले, औरत अपनी खुशी से हक महर वापस कर दे तो शौहर के लिए जायज है। और 75 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसको देखिए जरा। तौहीद के हवाले से कुरान मजीद की एक इंतहाई अहम और जामे सूरह कौन सी है, सूरह इखलास है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 76 से के दोस्तों, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तारी के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये एक अहादीस मुबारक है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तारी के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। 77 नंबर क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो चुका है, खशियत इलाही से मुराद अल्लाह का डर है, ऑप्शन डी है। और इस तरह 78 नंबर क्वेश्चन भी गुजर चुका है, अल मुहियो के मानी है जिंदगी बख्शने वाला, ऑप्शन बी है। और 79 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है, सेलमा कजाब का वाकया जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 80 नंबर क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो चुका है, इसमें ऑप्शन सी लगता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, नंबर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हिजरत की रात घर से निकलते वक्त तिलावत कर रहे थे सूरह यासीन की इब्तदाई आयात, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम, यही आयात तिलावत कर रहे थे और घर से निकले थे। क्वेश्चन नंबर 82 देखे, अद्दीनु नसीहा, दीन का नाम ही खैरख्वाही है, इसका तर्जुमा है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 83 जो है अनफाल, नाइन पारी में सूरह अनफाल जो है, अनफाल की मानी माली गनीमत है, ऑप्शन सी है। और 84 नंबर क्वेश्चन, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन अल्लमहु, तो इसमें ऑप्शन ए लगता है कि आप लोगों में से बेहतर वो है जो कुरआन सीखे और दूसरों को सिखाए। 85 नंबर क्वेश्चन, माताबा का मानी है, ये सूरह निसा का आया नंबर 3 है और इसका मतलब है जो तुम्हें पसंद आए, ऑप्शन सी। इसके बाद 15 क्वेश्चन रह गए तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।